श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी कथा सुनकर बहुत ही अचूक और बहुत ही शानदार उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें करने के बाद में आपके घर में कभी भी धन से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं रहेगी। दोस्तों देखिए, भारतीय रसोई में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका उपयोग तंत्र मंत्र व ज्योतिष उपायों में किया जाता है। ऐसी एक चीज़ है नींबू। वैसे तो नींबू का इस्तेमाल कई चीज़ों में होता है, वैसे खाने में स्वाद के लिए, सफाई के लिए, त्वचा के लिए, इसके अलावा कुछ पूजा पाठ में भी नींबू का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि खाने में स्वाद बढ़ाने वाला छोटा सा नींबू आपकी सोई हुई किस्मत को भी जगा सकता है? जी हाँ, विटामिन सी से भरपूर छोटा सा नींबू न सिर्फ सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में भी इसका विशेष महत्व है। ज्योतिष में नींबू से जुड़े कई चमत्कारिक उपाय बताए गए हैं, उन उपायों से जीवन की बड़ी परेशानियों को भी कम किया जा सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप नींबू के जरिए अपनी किस्मत को पलट सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप भगवान शिव शंकर को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी हो। देखिए, कड़ी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो एक नींबू और चार लौंग लेकर आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में चले जाना, और वहां जाकर आपको नींबू में चारों लौंगों को गाड़ देना है और हनुमान जी के सामने आपको रख देना है, और फिर वहाँ पर बैठ कर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, या फिर आप बजरंग बाण का पाठ करें, या फिर आप जितना चाहें उतना जय सीताराम या जय श्री राम का जप करना है। दोस्तों ऐसा करने से आपकी हनुमान जी जल्दी आपकी प्रार्थना सुन लेते हैं। मानता है कि इस काम को करने के बाद दोस्तों आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। ज्योतिष के अनुसार यदि घर में किसी भी सदस्य को बुरी नज़र लग गई है, तो उसके सर से पैर तक आपको नींबू को 7 बार उतार लेना है। इसके बाद इस नींबू के 4 टुकड़े कर देने हैं, और इसको किसी सुनसान जगह पर जाकर चारों दिशाओं में एक एक नींबू आपको फेंक देना है। एक बात का ध्यान रखें कि नींबू के टुकड़े फेंकने के बाद पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें। मानता है कि इससे नज़र दोष दूर हो जाता है। बिजनेस में तरक्की नहीं हो रही है, तो रविवार के दिन दोपहर में 5 नींबू काटकर आपको कार्यस्थल पर रख देना है। इसके साथ 1 मुट्ठी काली मिर्च और 1 मुट्ठी पीली सरसों रख दें। इसके अगले दिन इन सभी सामानों को उठाकर किसी सुनसान स्थान पर ले जाकर वहां गाड़ दें। साथ ही 1 नींबू लेकर किसी चौराहे पर जाएं और उसे 7 बार अपने सर से उतारकर 2 भागों में काट लें। एक भाग पीछे की ओर फेंक दें और दूसरा भाग आगे की ओर फेंक दें, फिर अपने घर पर चले जाएं। दोस्तों इस काम को भी करने से आपको सफलता जरूर मिलेगी। ज्योतिष के अनुसार रविवार के दिन 1 नींबू के ऊपर 4 लौंग गाड़ दें और ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जप करके नींबू को अपने साथ लेकर जाएं। इससे आपका काम अवश्य बन जाएगा। अगर आप किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, आपको लगती है आपको बार बार असफलता हासिल होती है, तो आप इस उपाय को करके चले जाएं और नींबू को साथ ले जाएं, तो दोस्तों आपको उस काम में असफलता नहीं मिलेगी, आपको बल्कि सफलता ही मिलेगी। घर में अगर सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए आप 1 नींबू लें और किसी चौराहे पर जाकर उसे 7 बार अपने सर से घुमाते हुए उसको 4 भागों में काट लें। चारों भागों को आप अपने चारों दिशाओं की ओर फेंक दें और फिर बिना मुड़े आगे बढ़ जाएं। नींबू के इस उपाय से आपके लिए समृद्धि के द्वार खुलेंगे। एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नींबू का कोई भी टोटका करते समय आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, नहीं तो इसके उपाय फलदायी नहीं होते हैं। देखिए, अपनी सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए 1 नींबू लें और उसको अपने सर के ऊपर से 7 बार वार कर उसको आप किसी सुनसान जगह पर ले जाकर वहाँ गाड़ दें, और इसके बाद आप अपने घर पर चले आएँ। दोस्तों इस उपाय को करने से आपकी सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है और आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा धन की वृद्धि होती रहे, आपके कारोबार काफ़ी तेज़ी से चलते रहें, तो दोस्तों आपको मंगलवार के दिन 1 नींबू लेना है, ठीक है। उसके साथ आपको 1 सरसों के तेल का दिया लेना है, जिसमें आपको लंबी वाली बाती रखनी है। अब देखिए, दोनों चीज़ों को आपको लेकर चले जाना अपने घर के पास किसी भी हनुमान जी के मंदिर में। वहाँ ले जाकर दोस्तों आपको सबसे पहले जो नींबू लिया है, उस नींबू के ऊपर एक हनुमान जी के
उल्टे पैर के सिंदूर से आपको स्वास्तिक का निशान बनाना है और नींबू को आपको हनुमान जी के पास रख देना है। और फिर आपने जो दीपक लिया है उस दीपक को आपको प्रज्वलित कर हनुमान जी की सर से लेकर पैर तक आपको 11 बार दीपक से जो आरती उतार कर आपको हनुमान जी के सामने दीपक को रखकर 2-3 मिनट के लिए हनुमान जी के सामने बैठ जाना है और आपको हनुमान जी के किसी भी एक मंत्र का जप करना है, जैसे कि ओम हं हनुमते नमः। इस मंत्र का आप 2-4 मिनट तक जप करते रहें। फिर उसके बाद दोस्तों आपने जो नींबू रखा था वहाँ पर स्वास्तिक बनाकर उस नींबू को आप उठाकर अपने घर लाकर अपने तिजोरी या फिर गले में रख दें। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी धन से जुड़ी समस्या नहीं रहती है, आपके घर में हमेशा धन की वृद्धि होती रहती है। तो अगर आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए नींबू के ये टोटके पसंद आए हो तो दोस्तों आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए उपाय मिलते रहें। धन्यवाद।